क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है वेरिएबल है एक्स, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ दी गई हैं ये वाली, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर वैल्यूज़, ठीक है, एक्स की। उसके बाद आगे कहा गया है कैलकुलेट इट्स मीन, इसका मीन निकालें, ठीक है। तो एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको सम कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है जो मीन है, मीन का फार्मूला आता है एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन। तो एक्स वाली वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 160। यहाँ रखेंगे हम 160 डिवाइडेड बाई इनकी तादाद जो कि 10 है, तो ये क्या आ जाएगा 16, ठीक है, ओके, हो गया जी, ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है। उसके बाद इसी सवाल में हमें कहा गया है 9 मल्टीप्लाई इस नंबर, अब हर नंबर को 2 से ज़र्ब करो और सब्ट्रैक्ट करो उसमें से 10, ठीक है, यानी कि जो एक्स है हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और जमा करो उसमें 10, ठीक है, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और 10 माइनस करते जाएंगे, ठीक है। ये मैंने 3 लिख दिए ऐसे, बाकी मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा 40। कैलकुलेटर से आप ऐसे सिंपल कर लेंगे, 2 × 25 माइनस 10, तो ऐसे आप आराम से सारे वैल्यूज निकाल लें। दूसरी आ जाएगी 20, फिर 10, 12, उसके बाद 50, 30, 18, 14, वाई ये 22 और ये 10, ठीक है, और इसका भी मीन निकालें, ठीक है। अब यहाँ एक्स बार तो पहले आ चुके हैं, अब इसको हम वाई बार कह लेते हैं, और इसका नाम इधर क्या रख लेते हैं, ये वाई के बराबर है, ठीक है, तो वाई बार बराबर आ जाएगा समेशन वाई बटा एन। वाई वाली वैल्यूज़ को जमा कर लेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को जमा कर लें, तो ये आ जाएगा 220। तो 220 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22, ठीक हो गया। अब इसी सवाल में हमें कहा गया है कि ये वेरीफाई करें वाई मीन इक्वल टू 2, एक्स मीन माइनस 10, तो अभी प्रूफ कर देते हैं, वाई बार बराबर 2x बार माइनस 10, कलर वगैरह करना, तो वाई बार की वैल्यू है हमारे पास 22, 2 × x बार यानी y मीन की वैल्यू है 16 माइनस 10, 22, 16 × 2 = 32 माइनस 10 करेंगे तो 22 = 22 वेरीफाई हो गए। x की वैल्यूज दी गई थी, हमें कहा कि मीन निकाले हमने, सिंपल वैल्यूज को जमा करा उनकी, तो 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 16। उसके बाद हमने y बार निकालना था, तो मतलब हमें कहा गया कि हर वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करें और 10 ऐड कर दें, तो इसको हमने वाई वेरिएबल इक्वेशन टाइप बना दिया ताकि जब मीन निकाले तो वहाँ पर वाई हो, हर वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 माइनस करते जाएंगे तो ये आ जाएगा, इसका मीन निकाल लिया, इन वैल्यूज़ को जमा करके इनकी तादाद से डिवाइड कर लिया, और फिर इस क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यूज़ रख के हमने उसका आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये होगा इसका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आ जाएं, कहता है बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ द नंबर, इन नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करो और 5 ऐड करो तो हमें ये मिलेगा, ठीक है, तो इनके दरमियान क्या रिलेशन है, इन दोनों के दरमियान ये ऊपर वाला ही रिलेशन बनेगा, अभी मैं हम करके दिखाते हैं इसको, ठीक है, दोनों के मीन ले लेते हैं और फिर इसकी इक्वेशन को शो कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई और ये वैल्यूज़ उसने हमें निकाल के दिए हैं, और उसने हमें कहा है कि वाई जो है इसको हम वाई कह लेते हैं ना, यानी ये जो बाकी नंबर हैं, इसने क्या कहा है कि ये वैल्यूज़ 2 से मल्टीप्लाई करने से और 5 ऐड करने से आई हैं, तो ये मैंने वैसे करके दिखाया, करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने हमें वैल्यूज़ खुद ही दे दी हुई हैं, 17, 9,
19 और 15 वैसे समझाने के लिए किया है, वरना ये वैल्यूज उसने दी हुई हैं। बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह हम इसको प्रूफ करेंगे। पहले एक्स बार ले लेंगे समेशन एक्स ओवर एन, और फिर वाई बार ले लेंगे जो कि समेशन वाई ओवर एन होगा। दोनों को ऐड कर लें, एक्स वाली वैल्यूज़ का ऐड करेंगे तो 30 आएगा, और ये जो इसको हमने वाई का नाम दिया 2x+5 को, इसको हम 90 इसका साम आ जाएगा। तो समेशन एक्स जो है वो 30 है, और इनकी तादाद क्या है 6, 6 5 30, और वाई जो है वो 90 है ओवर 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। अब बिल्कुल सेम ऐसे का प्रूफ करना है, तो y बार बराबर 2x, अब इसमें क्या है 5 है, ठीक है, कोई भी ऐसे का होगा वो ऐसे प्रूफ होगा। y की वैल्यू है 15, तो x मीन की वैल्यू है 5 प्लस 5, 2 5s are 10 प्लस 5, ये 5 है, ठीक है। तो ये देखें दोनों साइडें बराबर हैं, तो ये रिलेशन है इनके दरमियान में, ठीक है। पीछे उसने खुद दे दिया था, यहाँ हमने उसको देखते हुए खुद बना लिया। वाई एक्स की वैल्यूज़ दी गई और उसने कहा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक्स वाली वैल्यूज़ में 2 को मल्टीप्लाई करने से और 5 को ऐड करने से आती हैं। तो इस तरह हमने इसको प्रूफ भी कर दिया, दोनों के मीन लेके इक्वेशन के अंदर दर्ज भी कर दिया। उसके बाद तीसरी वैल्यू है, तीसरी है, कहता है कि वेरिएबल इज़ डिटरमाइंड फ्राम वेरिएबल एक्स बाय रिलेशन, जो एक वाई वेरिएबल है वो इस रिलेशन से ड्राइव किया जाएगा एक्स में से, और एक्स की वैल्यूज दी गई हैं, और फिर ये शो करना है लास्ट में। तो एक्स की वैल्यूज दी गई हैं हमें, इनका सम कर लेते हैं पहले, तो सम करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो उसने कहा है कि ये रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ हमने वैल्यूज दर्ज कर देनी है। पहली वैल्यू देख के मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, 15 -3 और ब्रैकेट के अंदर फिर -3 ब्रैकेट बंद इक्वल दबा देंगे, ठीक है, ये आ गया 24। यानी कि एक्स की वैल्यूज इक्व इस इक्वेशन में रखते जाएंगे ये सारी, और इसके आगे हमारे आंसर आते जाएंगे, ठीक है। तो जो पहला है हमारे पास वो आ गया 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, और इनका साथ ही सम भी कर लेते हैं तो 108 आ जाएगा। बिल्कुल पिछले दो पार्ट्स की तरह हम दोनों के मीन निकाल के रिलेशन में रख देंगे। तो एक्स बार बराबर समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स है 9 और उनकी तादाद भी है 9, तो आ जाएगा 1। उसके बाद वाई बार बराबर समेशन वाई ओवर एन, समेशन वाई है 108 और इनकी तादाद कितनी है 9, तो ये आ गया 12, ठीक है। वेरीफाई क्या करना है, वाई बार बराबर 15 -3 x बार, वाई बार यानी वाई मीन की वैल्यू है 12, आगे 15 -3, एक्स मीन की वैल्यू कितनी है 1, 12 -15 -3 1 3, तो ये आ जाएगा 3, और 12 आ जाएगा 3 निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये तीनों पार्ट सिमिलर ही थे और ये हमने हल कर लिया।